तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका टाइम एंड वर्क, यानी कि समय व कार्य, जो कि आपका यहाँ पर एसएससी में अगर देखा जाए तो आपका एक प्रश्न यहाँ से आपका पूछा जाता है। जनरली आपका एक प्रश्न यहाँ से आपका उठता है, तो बिल्कुल हमें इसको जीरो से जो आपका पढ़ने वाले हैं समय व कार्य को। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टाइम एंड वर्क यानी टॉपिक जो आप पढ़ेंगे, उसके बाद जो हम कल से स्टार्ट करेंगे वो करें आपका नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो चलिए आज हम यहाँ पर देखते हैं समय व कार्य। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कोई भी जो आपका काम हो सकता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपका कुछ भी, चाहे आपका यहाँ पर कोई भी दीवार बनाना हो या फिर आपका फसल काटना हो, काम मतलब काम जो आपका एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, अब जब हम टाइम एंड वर्क यहाँ पर पढ़ेंगे तो सबसे पहले एक से दो फॉर्मूले होते हैं जो कि हमको बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हम बात करें कि ये जो आपका यहाँ पर कभी कभी आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि ए जो आपका किसी भी काम को इतने दिन में कर सकता है, बी उतने दिन में कर सकता है, लेकिन ये दोनों जब मिलकर उस काम को करें तो काम कितने जल्दी हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो एक शब्द आता है कार्य क्षमता। क्या होता है यहाँ पर आपका कार्य क्षमता? कार्य क्षमता क्या होती है? कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में कितना एक्सपर्ट है, कितना निपुण है, यानी कि कुल काम हमको यहाँ पर दिया जाए, क्या दिया जाए यहाँ पर आपका कुल काम को हम कुल समय से यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड। कुल काम को कुल समय से डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या निकलेगी, एफिशिएंसी निकलेगी, यानी कि कार्य क्षमता। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको यहाँ पर फॉर्मूला है, इसकी बार बार आपको यहाँ पर हर प्रश्न में आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यदि कहें, आपको इसको हटा देता हूँ, कि सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पर ए जो है, क्या है, ए किसी भी काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, यानी ए किसी भी काम को 10 दिन में कर सकता है। वहीं बात करें बी, तो बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 15 दिन में। कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। लेकिन हम बात करें कि ये दोनों मिलकर इस काम को करें, जैसे कि ए और बी, तो सबसे पहले हमको इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो 15 और 10 का जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना होगा, 30 होगा, यानी कि 30 होगा। तो चलिए हम देखते हैं, तो हमारा कुल काम, ये जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये एलसीएम भी होता है, उसके अलावा हमारा जो टोटल वर्क यानी कि कुल काम भी आपका यहाँ पर यही होता है, यानी टोटल हमारे पास कितना काम है, 30, जो कि हमको यहाँ पर करना है। तो कुल काम आपका 30 है और ए एक दिन में आपका यहाँ पर ए इसकी आप कार्य क्षमता निकालेंगे तो आपका टोटल 10 दिन ले रहा है, तो यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। वहीं बात करें बी की, बी कितना ले रहा है 30 को काम करने के लिए, 15 दिन, तो एक दिन में कितना कर रहा है, 2। तो ये जो हमारी यहाँ पर निकली है वो क्या है, कार्य क्षमता है। क्या है हमारी यहाँ पर? कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर कुल काम कितना है, 30, कुल समय हमको कितना यहाँ पर लग रहा है, तो ये जो आपका यहाँ पर एक दिन का टाइम हमको लेना है, तो एक दिन में हमारा ए कर रहा है कितना, 3, बी कर रहा है कितना, 2, तो 3 और 2 5, तो 5 से इसको डिवाइड करें तो कितने बार, 6 दिन, यानी कि ये जो हमारा टोटल काम है, कुल काम है, वो हमारा कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 6 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ऐसे जो हमको यहाँ पर सॉल्व करने होते हैं, लेकिन इसको आपको इस मेथड से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं एलसीएम मेथड से, लेकिन इसकी डायरेक्ट शॉर्टकट जो हमारी ट्रिक होती है उससे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है, दोनों के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। डायरेक्ट ट्रिक होती है दोस्तों हमारी ए गुणा में बी बटे में ए प्लस बी, ए गुणा में बी बटे में ए प्लस बी। इससे भी आप इस प्रश्न को यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 10 है, गुणा में बी की वैल्यू कितनी है, 15 है, बटे में ए प्लस में आपका बी कितना है, 15, तो दोनों को जोड़ना है, तो 10 गुणा में 15, आप यहाँ पर गुणा भी कर सकते हैं, 15 और 10 करेंगे कितना होगा, 25, 25 को आप 5 से काटेंगे कितनी बार, यहाँ पर कटेगा 5 बार, 5 से काटें इसको 3 बार, 5 से इसको काटें कितनी बार, 2 बार, तो 3 दुनी करें तो कितना, 6 दिन, यानी कि जो हमारे यहाँ से भी जो दिन निकले हैं वो कितने निकले हैं, 6 दिन, यानी कि 6 दिन में हमारा ये जो पूरा काम है वो कम्प्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न क्या है,
सपोज कीजिए दोस्तों, हमें यहाँ पर बात करते हैं, ये जो आप अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो कैसे हैं, दो आदमी वाले। आगे चलकर आपको यहाँ पर तीन आदमी वाले प्रश्न भी दिए जाएंगे। जैसे कि हम बात करें कि ये जो आपका रामू नाम का कोई भी व्यक्ति है, क्या है रामू, जो कि किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। रामू किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। वहीं बात करें श्यामू, तो श्यामू नाम का कोई भी जो है यहाँ पर व्यक्ति है जो उस काम को 20 दिन में कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँ कि रामू और श्यामू, यानी कि रामू व श्यामू दोनों मिलकर उस काम को करें, उस काम को करें तो वह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो वह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। जैसे कि ये जो हमारा क्या है प्रश्न है, यानी रामू उस काम को 15 दिन में कर सकता है, श्यामू 20 दिन में, लेकिन दोनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको इनको करने के लिए क्या लेना होता है, एलसीएम मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले 15 व 20 का हम एलसीएम लेंगे, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा वो आपका अहम रोल है वो आपका एलसीएम का, बार बार आपको एलसीएम यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो एलसीएम टॉपिक भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो 15 और 20 का जो हम एलसीएम लेंगे हमारा कितना होगा, 60। 15 और 20 का एलसीएम कितना है, 60। 60 इसको आप एलसीएम कह सकते हैं, या हमारा यहाँ पर कुल काम भी कह सकते हैं, यानी हमारा कुल काम कितना है, कुल काम जो है हमारा 60 है। तो कुल काम हमारा 60 है, ये जो है इस काम को करने के लिए 15 दिन ले रहा है, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, वो 4 काम कर रहा होगा। श्यामू इसी काम को करने के लिए 60 दिन यानी कि 20 दिन ले रहा है, तो एक दिन में 3 काम कर रहा होगा, तो 4 और 3 7, यानी कि एक दिन के हिसाब से एक दिन में जो हमारा कुल काम है यहाँ पर कितना हो रहा है, 7। टोटल काम कितना है, 60 है, तो 60 को हम यहाँ पर डिवाइड करें कितने से, 7 से, तो 7 8 करें तो 56 बचेगा, कितना, 4/7 दिन में पूरा हो जाएगा ये काम, कितने दिन में, 8 सही, 4/7 दिन में। तो बिल्कुल दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करें यहाँ पर कि हम इसको ट्रिक से कैसे देख सकते थे, ट्रिक से यानी कि आपका जो भी मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, यानी कि ए गुणा में बी बटे में ए प्लस में बी। तो चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है, 15 है, गुणा में बी की वैल्यू कितनी है, 20 है, बटे में ए प्लस में बी। तो 15 गुणा में आपका 20 बटे में 15 और 20 करें कितना होगा, 35 होगा। तो 5 से इसको काटोगे 7 बार, 5 से इसको काटेंगे यहाँ पर 3 बार, कितने बार, 3 बार, तो 20 दिए करेंगे 60, बटे में आपका कितना है, 7, तो 7 8 56 कितना बचेगा, 4/7, यानी कि यहाँ से भी जो आपका दिन निकलेंगे वो कितने हैं, 8 सही 4/7 दिन में ये जो हमारा पूरा काम है वो आपका फाइनल हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा कि आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर और देखते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर ऐसे प्रश्न देखेंगे जब कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को आपका यहाँ पर छोड़कर चला जाता है, तो बाद में उस काम को दूसरा व्यक्ति करता है तो कितना समय लगता है। जैसे कि हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति है, यानी कि सनम, सनम किसी भी काम को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। सनम किसी भी काम को हमारा 18 दिन में कर सकता है। वहीं बात करें करण, करण उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में। यानी दो हमारे पास व्यक्ति हैं, एक सनम है एक करण है, वो दोनों ही व्यक्ति जब हमारा कोई भी काम करते हैं तो एक को कितने लग, यानी कि सनम को कितने दिन लगते हैं, 18 दिन, वहीं करण को कितने दिन लगते हैं, 24 दिन। और हमको यहाँ पर सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना आपका बहुत ही आसान होता है भाग विधि से। आप इनका एलसीएम हमारा कितना होगा, हमको पता है 72 होगा, कितना होगा, 72, कितना होगा, 72।
तो आप एलसीएम यहाँ पर ले भी ले करके भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो दो से काटे हैं कितनी बार, 9 बार, ये कितनी बार, 12 बार। फिर से दो से काटे हैं तो ये नहीं कटेगा, ये 6 बार। फिर से दो से काटेंगे ये नहीं कटेगा, लेकिन ये 3 बार। फिर से तीन से जाएं तो 3 बार और 1 बार, 3 बार, एक एक, तो 3 त्रिक 9, 9 दुनी 18, 18 दुनी 36, 36 दुनी 72। तो आप इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एलसीएम लेकर के भी देख सकते हैं कि इनका जो हमारा एलसीएम है वो कितना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखें टोटल काम हमारा कितना है, कुल काम, कुल काम कितना है, 72। 72 काम को करने के लिए ए को लगते हैं कितने, 18 दिन, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा हुआ, 18 चौके 72, 4 काम। वही बात करें सनम, तो सनम जो हमारा यहाँ पर कितना काम कर रहा है, एक दिन में आपका 24 72, यानी एक दिन में 3। तो यहाँ पर ए जो हमारा निकलते हैं वो क्या होती है दोस्तों, अभी मैंने आपको यहाँ पर इसको बताया था, कार्य क्षमता होती है, क्या होती है, एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका कार्य क्षमता। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कुल काम हमारा कितना है, 72 है, बटे में एक दिन में हमारा जो काम हो रहा है, 4 और 3 7, कितना काम हो रहा है यहाँ पर, 7। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, भाग 2 टे 0, बटे में आपका 7 दिन, यानी कि 10 सही 2/7 दिन में ये जो हमारा दोस्तों काम है वो आपका फाइनल हो जाएगा, यदि सनम व करण दोनों मिलकर इस काम को यहाँ पर करते हैं तो। तो ये जो आपका जब दो व्यक्ति काम करते हैं तो ये तो आपको पता चल गया होगा, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब दो व्यक्ति, यानी कि आपका दूसरे प्रकार से आपको यहाँ पर दिया जाए, जैसे कि हम बात करें, जैसे कि आपका यहाँ पर प्रश्न आपको दिया जाए कि ए किसी काम को कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में, और ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। तो मेरे को बताइए कि बी इस काम को, बी इस काम को करने में कितना समय लेगा, कितना समय लेगा। हमारे को डायरेक्ट प्रश्न जो दिया गया है वो क्या है, वो ये है कि ए जो आपका किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, लेकिन ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो 10 दिन में कर सकता है। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पर कि बताइए अकेला बी इस काम को यहाँ पर कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा दोस्तों, 30 आएगा, कितना आएगा, 30 एलसीएम कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, कुल काम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कुल काम। तो चलिए देखते हैं, तो ए कितना दिन लेता है, 15, यानी कि 15 2 30, कितना लेता है, एक दिन में कितना काम करेगा, 2, लेकिन ए और बी दोनों मिलकर 3 काम। तो दोस्तों हमको यहाँ पर पता है कि ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, लेकिन ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3। तो इसमें से ए की वैल्यू आप घटा दीजिए, यानी ए के 2 दिन घट जाएंगे, तो ये जो बी है वो एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तो कुल काम कितना है हमारा, 30 है। बी एक दिन में एक काम कर रहा है, यानी कि 30 दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे जब काम को हमारे को यहाँ पर बी अकेला करेगा। तो बी अकेला इस काम को दोस्तों हमारा कितने दिन में करेगा, 30 दिन में फाइनल जो यहाँ पर करेगा। तो बिल्कुल दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि जो टाइम एंड वर्क, यानी कि समय व कार्य के जो प्रश्न होते हैं वो किस लेवल के आते हैं, चाहे बात हमारे यहाँ पर दोस्तों करें एसएससी जीडी का, या फिर बात करें एसएससी सीएचएसएल का, सीपीओ का, सीडीएस का, तो उनमें आपका यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं जब कोई भी व्यक्ति काम जो होता है वो आपका यहाँ पर बीच में छोड़ करके चला जाता है, तो जो बाकी जो बचा हुआ काम होता है वो दूसरा बंदा कितने समय में यहाँ पर काम को करेगा, चलिए देखते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर कि ए जो हमारा किसी भी काम को कितने दिन में कर सकता हो, सपोज कीजिए 18 दिन में, कितने दिन में, 18 दिन में। वही बात करें कि बी इस काम को यहाँ पर कितने दिन में कर सकता हो, 24 दिन में, कितने दिन में, 24 दिन में। और मैं यहाँ पर बात करूँ कि 5 दिन तक, यानी कि 5 दिन बाद ए काम को
छोड़कर चला जाता हो, छोड़कर चला जाता हो, चला जाता हो, तो शेष काम बी कितने दिन में पूरा कर देगा, कि बी कितने दिन में पूरा कर देगा। ये जो हमारा दोस्त यहाँ पर प्रश्न है कि 5 दिन बाद ये जो इस काम को छोड़कर के चला जाता है, तो जो क्या बचेगा आपका यहाँ पर बी, तो बी उस काम को फिर कितने दिन में और लगेंगे उस काम को यहाँ पर करने में। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 72, कितना एलसीएम आएगा 72, तो 72 आएगा यहाँ पर। तो 18 दिन लग रहे हैं किसको, ए को, तो 18 चौके 72, एक दिन में 4 काम करेगा। बी को यहाँ पर कितने लग रहे हैं, 24 दिन, यानी कि 24 3 72, एक दिन में 3 काम करेगा। और ये जो दोनों हैं वो हमारी यहाँ पर क्या निकल कर के आती हैं, कार्य क्षमता, यानी एक दिन में किया गया कार्य, जिसको कि हम क्या कहते हैं यहाँ पर, कार्य क्षमता कहते हैं। तो आपको बिल्कुल पता चल गया हुआ कि कार्य क्षमता क्या होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक दिन में टोटल काम हमारे पास कितना है, 72 है। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम, लेकिन 5 दिन तक तो आपका यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं 5 दिन तक। तो एक दिन में काम हो रहा है 5, यानी कि 7, 5 दिन में करें तो 35, यानी कि दोस्तों ये जो आपका 35 काम है वो तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है 35 काम। तो बाकी जो बचा है यहाँ पर कितना बचा है, 37, यानी हमारा जो काम बचा है वो कितना बचा है दोस्तों, वो यहाँ पर आपका 37 बचा है। तो 37 को हमको अकेले बी को ये जो आपका यहाँ पर काम करना है, और बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 3 है। तो 3 से आपको इसको यहाँ पर डिवाइड करना है, तो 3 × 3 भाग 2 × 0, भाग 2 यहाँ पर क्या है, या कह सकते हैं यहाँ पर 12 × 3 = 36, 1/3 यहाँ पर 3, यानी 12 × 3 = 36 और 1 = 37 दिन में ये जो आपका यहाँ पर इस काम को पूरा कर देगा। लेकिन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि 5 दिन तक तो एक काम दोनों ने मिलकर किया था, तो दोनों को, दोनों ने 5 दिन तक मिलकर किया था, उसके बाद में जो बी को समय लगेगा वो 12 × 1/3 दिन बाद में यहाँ पर समय लगेगा। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि जब बीच में कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को छोड़ करके चला जाता है तब हम कैसे देखते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी तो आपके 2 व्यक्ति हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब 3 व्यक्ति मिलकर किसी काम को करें तो काम कितने यहाँ पर आपका फास्ट हो जाएगा, यानी कि कितने जल्दी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तीन व्यक्ति वाले, तो चलिए एक एग्जांपल हमारे यहाँ पर ए बी और सी से ही ले लेते हैं, कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर ए की, ए सपोज दैट किसी भी काम को 12 दिन में कर सकता है, कितने दिन में, 12 दिन में। वहीं बी इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। वहीं सी की बात करें तो इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। लेकिन हम बात करें कि यदि यदि तीनों व्यक्ति मिलकर इस काम को करें, इस काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये जो हमारा दोस्तों प्रश्न है कि हमारा ए बी और सी तीनों व्यक्ति मिलकर अगर इस काम को करें तो काम कितने जल्दी हो जाएगा, तो इनका सबसे पहले हमको क्या लेना होता है, एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। एलसीएम इनका लेंगे हम तो कितना आएगा, 60 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर आपका 60, 60 को एलसीएम कह सकते हैं, या फिर हमारा यहाँ पर क्या कह सकते हैं इनको, कुल काम कह सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल काम कितना है, 60, ए को कितने दिन लगते हैं, 12 दिन, यानी एक दिन में ये काम कितना करता होगा, इसकी जो कार्य क्षमता है वो ज़्यादा है, किसी भी काम को करने के लिए एक क्या है, एक्सपर्ट है, यानी कि एक दिन में कितने काम करता है, 5। वहीं बात करें बी, तो 15 × 4 = 60, ए 4 काम, इसकी बात करें यहाँ पर तो 20 × 3 = 60,
यानी ये जो आपका कितना काम करता है, 3, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, कुल काम हमारा कितना है, 60 है। और एक दिन में जो काम हो रहा है हमारा वो कितना हो रहा है, 12, तो 12 5 60, यानी जब तीनों व्यक्ति मिलकर इस काम को करें तो हमारा एक काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, वो आपका ओनली 5 दिन लगेंगे इस काम को हमको यहाँ पर पूरा करने में। तो ये जो आपका यहाँ पर तीन व्यक्ति आपके जब काम मिलकर करते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप यहाँ पर ऐसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी आपकी जो डायरेक्ट जो शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी कि जब दो व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो आप शॉर्टकट कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए भी होती है, लेकिन वो आपके यहाँ पर लंबी हो जाती है। तो आपके लिए यही मेथड जो रहेगा वो आपका यहाँ पर बेस्ट रहेगा। क्या रहेगा बेस्ट, तो चलिए हम यहाँ पर एक प्रश्न और देख लेते हैं। एक प्रश्न क्या है हमारा, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर आपका रामू ले सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमारा यहाँ पर रामू को यहाँ पर कितने दिन लगते हों, यानी कि रामू को यहाँ पर 20 दिन लगते हैं। कितने दिन, 20 दिन। वहीं बात करें कि श्यामू को 25 दिन लगते हैं, कितने दिन लगते हैं, 25 दिन। वहीं बात करें करण, करण को हमारे को यहाँ पर 30 दिन लगते हैं, कितने दिन लगते हैं, 30 दिन। तो अब आप यहाँ पर बताइए कि यदि ये तीनों व्यक्ति मिलकर रामू श्यामू और करण तीनों व्यक्ति मिलकर अगर इस काम को हमारे को करें तो ये जो पूरा काम है वो हमारा यहाँ पर कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कितने दिन में यहाँ पर हमारा फाइनल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, इनका एलसीएम आप यहाँ पर डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर भाग विधि से भी ले सकते हैं। क्या यह संख्या आपकी यहाँ पर 20 है, यहाँ पर आपका सही से नहीं दिख रही है, यानी कि 20 है, उसके अलावा 25 है और आपका यहाँ पर 30 है। तो 2 से जाएंगे तो 10 बार ये नहीं कटेगी, तो 25 का 25 ये 15 बार, फिर से 2 से तो 5 बार ये 25 बार ये आपका 15। अब आप यहाँ पर किससे जाएंगे, 3 से, तो 5 का 5, 25 का 25, 15 का 5। अब आप यहाँ पर 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 25, 5 एकम 5, फिर से 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 5 एकम 25, 25 75, 75 दूनी 150 दूनी 300, यानी इसका जो एलसीएम है वो कितना है, 300 है। 300 आपका एलसीएम हो सकता है, या फिर हमारा यहाँ पर कुल काम होगा। क्या है, कुल काम, कुल काम जो है वो हमारे पास यहाँ पर कितना है, 300 है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो आप हमारा काम है तो इसको कितने दिन लगते हैं यहाँ पर, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कितने दिन लगे हैं हमारे यहाँ पर, 15, यानी 20 एकम 20, कितना बचेगा यहाँ पर आपका, 100, तो 20 5 100, 15 दिन। इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 25 एकम 25, 25 दूनी यानी कि 12 बार, इसको काटें तो ये कितने बार, 10 बार। तो जो हमारी एफिशिएंसी है, जो कार्य क्षमता है, वो हमारी यहाँ पर कितनी है, तो 10 20 30 और 7 37, कितनी है, 37। तो कुल काम हमारा कितना है, 300 है, एक दिन में जो काम हो रहा है वो हमारा 37 हो रहा है। इसको आपको डिवाइड कर लेना है, इतने दिन इस काम को करने में जो है दोस्तों हमारे यहाँ पर लगेंगे जब तीनों व्यक्ति मिलकर इस काम को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यानी कि तीनों व्यक्ति मिलकर इस काम को करेंगे तब। अब चलिए हम यहाँ पर बढ़ते हैं दोस्तों, कि जब आपको यहाँ पर दिया जाता है कि बताइए कि ए जो आपका 1/2 भाग को 10 दिन में कर सकता है, बी 1/4 भाग को, यहाँ पर इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जैसे कि हम इनको यहाँ पर देखते हैं, वो जो आपके प्रश्न कैसे यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर दोस्तों देखे हैं कि 1/2, 1/2 हमारा 5 दिन में काम हो रहा है, कितने दिन में, 5 दिन में। तो ये जो हमारा पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 5, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 5 बराबर में 10 दिन। यानी जब 1/2 भाग 5 दिन में हो रहा है तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 10 दिन में होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 1/5 भाग को करने में 3 दिन लगते हैं, कितने दिन लगते हैं, 3 दिन। तो पूरा काम जो हमारा होगा वो कितने दिन में होगा, तो 5 × 3 कर देंगे यानी कि 15 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे हमको यहाँ पर, 15 दिन लगेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं 1/6 काम को करने में
3 दिन लग रहे हैं, कितने दिन? 3 दिन। तो हमारा टोटल काम यानी इस काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे? तो 6 18, यानी कि 18 दिन लगेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि 1/7 काम को करने के लिए हमको 3 दिन लगते हैं, कितने दिन? 3 दिन। तो बताइए जो पूरा काम होगा वो कितने दिन में होगा? तो 1 की वैल्यू कितनी है? 3। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 21, यानी कि 21 दिन में एक काम भी हमारा यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, एक प्रश्न हम यहाँ पर लिखते हैं और उस प्रश्न का आपको यहाँ पर जवाब देना है। वो प्रश्न हमारा क्या है कि एक किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, 5 दिन में करता है, वहीं बी किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, पाँच दिन में कह सकते हैं, या फिर आपका यहाँ पर 8 दिन में कह सकते हैं, या फिर आपका यहाँ पर 6 दिन में कह सकते हैं, 6 दिन में करता है, 6 दिन में करता है। तो ए व बी दोनों मिलकर, ए व बी दोनों मिलकर इस काम को करें, इस काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ये जो हमारा दोस्तों क्या है? प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, यानी कि ये जो, तो सबसे पहले तो हमको इनकी जो काम पता होना चाहिए कि पूरा जो काम है वो कितना हो रहा है। तो हम यहाँ पर हम जो देखेंगे 1/2 भाग कितने दिन में हो रहा है? 5 दिन में। तो पूरा काम कितना होगा? 5 × 2 = 10, यानी ए जो है किसी काम को हमारे को 10 दिन में कर रहा है, कितने दिन में? 10 दिन में कर रहा है। वही बात करें बी, बी के बारे में बात करें तो बी 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। तो 6 18, यानी कि बी उस काम को 18 दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है हमारा यहाँ पर? 18 दिन में। अब हमको यहाँ पर देखना है, वो क्या देखना है कि जब दोनों मिलकर इस काम को करें तो हमारा ये जो काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो चलिए देख दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, तो 18 × 5 = 90, इनका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 90। तो ए जो इससे काटना है तो 9 बार, इसको काटना है तो आपका 5 बार, कितने बार है यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर? 5 बार। तो हम यहाँ पर दोनों की जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो कितनी है हो जाएगी? 14। तो 90 / 14, तो 14 × 6 = 84, 14 × 6 कितना होता है आपका यहाँ पर? 84 होता है। तो कितना बचा आपका यहाँ पर? 6/14, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 3/7, यानी कि 6 × 3/7 दिन में ये जो हमारा पूरा काम है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर फाइनल हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा कि बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों पता चल रहा होगा, यानी कि 14 × 6 = 84 में 6 ऐड करें तो 90 / 14, ये जो इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं 3/7, तो यहाँ पर 6 × 3/7 दिन में ये जो हमारा काम है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? फाइनल हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि यहाँ पर आपका टाइम एंड वर्क की ये क्लास आपको बिल्कुल अच्छी यहाँ पर लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके यहाँ पर जरूर रखें।